जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 20, 21, 22, 23, 24 पर चर्चा करेंगे। न प्रसे पीरियम प्राप्य नो द्विजे प्राप्य च पीरियम स्थिर बुद्धि समूढो वर्म विद कर्माणि स्थितः। जो व्यक्ति प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता और अप्रिय वस्तु प्राप्त होने पर विचलित नहीं होता, जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो मोह से मुक्त है, ऐसे ब्रह्मा को जानने वाला व्यक्ति परमा में स्थित होता है। जो व्यक्ति जीवन के सुख दुख लाभ हानि आदि से प्रभावित नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। वह व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर आत्मा या ब्रह्म में स्थिर हो जाता है। इसका मतलब है कि उसे जीवन में कुछ भी प्राप्त हो या खो जाए, वह हमेशा शांत और समता में रहता है। ब्रह्मा स्पृश्य सक्तात्मा विद्यन्तमनि यत् सुखम स ब्रह्मयो गयो मुक्तात्मा सुख मत्स्यम अश्नुते। जो व्यक्ति बाहरी सुख साधनों जैसे भौतिक चीजों से आसक्त नहीं होता, वह अपने शरीर यानी आत्मा में जो सुख है उसे प्राप्त करता है। वह ब्रह्म योग में स्थित होकर अमर सुख को प्राप्त करता है। अर्थात सच्चे सुख की खोज बाहरी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक आत्मा में करनी चाहिए। जब हम बाहरी चीज़ों के प्रति इच्छा को छोड़ देते हैं और अपनी आत्मा की गहराई में जाकर उसके वास्तविक सुख का अनुभव करते हैं, तब हम वास्तविक आनंद की ओर बढ़ते हैं। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है, हमें भौतिक सुखों के पीछे भागने की बजाय अपनी आंतरिक शांति और आनंद को पहचानना चाहिए। ये ही सम सी जब होगा दुखा हो जाना ही एवते आदवंतः कौनते न ते सुरंगते बुधय। जो भोग संवेदी अनुभव से उत्पन्न होते हैं वे दुख की उत्पत्ति करने वाले हैं, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेते। अर्थात भौतिक सुख क्षणिक और परिवर्तनशील है, इसलिए वे कभी भी स्थायी संतोष या आनंद नहीं दे सकते। सच्चा सुख और संतोष उस स्थायी स्थिति में है जो आत्मा में ईश्वर के साथ एकता में या ब्रह्मा में स्थिर होकर प्राप्त होता है। शक्नोति है ये सोढुं प्रकृता शरीर विमोक्षणात् काम करो दो देह भाव वेगम से युक्त से सुखी न रहा। जो व्यक्ति यहाँ इस शरीर के त्याग के पहले काम और क्रोध के उत्पन्न वेग को सहन कर सकता है, वही योगी है और वही सुखी है। भौतिक इच्छाएं और क्रोध मनुष्य को अनेकों तरह की समस्याओं और दुखों में डाल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन भावनाओं को काबू में कर लेता है तो वह अपने आंतरिक सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है, हमें आत्म नियंत्रण और मन की शांति के लिए काम और क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, तभी वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। योन्तस कोन्तार अरामास तथान तथांतर ज्योतिरेव ये सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो व्यक्ति भीतर से सुखी है और आंतरिक आनंद में रहता है वही सच्चा योगी है। वह ब्रह्मा के साथ एकता को प्राप्त करता है और ब्रह्मा के रूप में स्थापित हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने भीतर के सुख को अनुभव करता है और बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता वह सच्चा योगी है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान अपने भीतर होता है और वह बाहरी संसार की चंचलता से प्रभावित नहीं होता। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।